सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचर स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बकरी की नस्ल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ ही परीक्षा में आए प्रश्न हैं, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस। देखिए, बकरी को कहा जाता है गरीब की गाय क्योंकि ये कम रुपए में और कम जगह में इसको पाला जा सकता है। तो गरीब के लिए एक तरह से गाय की तरह है, तो इसका उत्तर होगा बकरी। किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। देखिए, चलता फिरता फ्रीज का मतलब यहाँ पे है कि आप कभी भी इसका दूध निकाल सकते हैं, कभी भी आप ताजा दूध इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई मेहमान आया घर में, निकाल लाओ दूध। तो इस प्रकार बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हमारे द्वारा महत्वपूर्ण और सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर करवाए जाएंगे, एंड वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। किस पशु को रनिंग डेरी और डबल एटीएम कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। रनिंग डेरी मतलब चलती फिरती डेरी, चलती फिरती डेयरी। डबल एटीएम, ऐसा एटीएम जिसे आप कहीं भी दूध निकाल सकते हो, चलता फिरता दूध का एटीएम कह सकते हैं हम बकरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पशु परिचर में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि 10वीं के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो हम जो जितने इजी क्वेश्चन हैं वो भी कवर करेंगे, साथ ही जितने टफ क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। बिना सींग वाली बकरी की नस्ल है? शेखावाटी, जमुनापरी, मारवाड़ी, बारबरी। बिना सींग वाली बकरी जिसे अपन गांव में क्या कहते हैं, साधारण भाषा में मोडी बकरी, मोडी बकरी। ये कौन सी नस्ल होती है जिसके सींग नहीं होते? शेखावाटी। ये कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, सीकर, झुंझुनू और चूरू। देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शेखावाटी जो बिना सींग वाली बकरी है उसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नस्ल है, ये काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है, काजरी। याद रखना, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा ये तैयार की गई है शेखावटी की नस्ल। तो आपको साधारणतः बोलचाल की भाषा में याद रखना है, मोडी बकरी शेखावटी में पाई जाती है। बकरी की नस्ल जो दिखने में बहुत सुंदर व सुशील होती है? सिरोही, शेखावटी, बारबरी, लोही। देखिए, जो वस्तु बहुत सुंदर होती है और सुशील होती है उसे बार बार देखने का मन करता है, बार बार देखने का मन करता है। तो इसका उत्तर देखिए, बार बार, तो इसका उत्तर होगा बारबरी। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको बिल्कुल अगर कोई ट्रिक, अच्छी ट्रिक बनती है तो वो भी आपको हम जरूर बताएंगे। वो सूत्र वाली ट्रिक देखिए, वो आप 2 दिन याद रख पाएंगे, तीसरे दिन आप जरूर भूल जाओगे। बकरी की बारबरी नस्ल जो बहुत सुंदर होती है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। देखिए, अपनी बकरियां होती हैं जो शेखावाटी की बकरियां होती हैं, पश्चिमी राजस्थान की बकरियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं कोजी बकरियां हैं। मतलब इतनी सुंदर नहीं होती हैं वो दिखने में। पूर्वी राजस्थान की जो बकरियां होती हैं वो सबसे
सुंदर बारबरी नस्ल, पूर्वी राजस्थान में आप लगाएं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार आप पूर्वी राजस्थान याद रख सकते हैं। पूछा जाए बारबरी, तो आप इसे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि देखिए, पूर्वी राजस्थान में नदियां हैं और वहां पे हरिया हरा भरा क्षेत्र रहता है, तो उस मत क्षेत्र को आपको बार बार देखने का मन करता है। तो बारबरी नस्ल, पूर्वी राजस्थान। सर्वाधिक दूध देने के लिए बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है सिरोही, शेखावाटी, जखराना, लोही। देखिए, सर्वाधिक दूध देती है जखराना की बकरियां। ये जखराना कहाँ स्थित है? कोटपूतली बहरोड जिले में स्थित है। पहले अलवर जिले में आता था, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो ये कोटपूतली जिले में बहरोड उपखंड में है। कोटपूतली बहरोड, ये सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रतिदिन 5 से 7 किलो तक दूध देती है। तो ये इस नस्ल को जखराना नस्ल के नाम से ही जाना जाता है। नस्ल भी क्या बोलते हैं इसे, जखराना की नस्ल। ये बकरी की नस्ल है और इसे अलवरी भी कह देते हैं, क्योंकि ये पहले अलवर क्षेत्र में थी, तो इसे अलवरी बकरी भी कहते हैं। बकरी की जमुनापुरी नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, जमुनापुरी, इसे आप अगर ट्रिक से याद करें तो जमुना को आप याद कर लीजिए, जमुना को यमुना भी कहते हैं। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। तो चंबल कौन से क्षेत्र से निकलती है? हाड़ौती क्षेत्र से। तो ये बकरी भी कहाँ पाई जाती है? जमुनापुरी नस्ल हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र कहें तो किसे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये क्षेत्र। तो आप याद रख सकते हैं, जमुना, यमुना और यमुना की सहायक नदी चंबल, और चंबल का क्षेत्र बीहड़ का क्षेत्र, डाकू का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र। निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते रहे आरपीएससी द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। परबतसरी, देखिए परबतसरी, अपने गाँव में परबतसरी नस्ल की बकरियां बहुत फेमस है, ये भी अच्छा दूध देती है। परबतसरी नागौर की, परबतसर आपको पता है नागौर में है, तो नागौर के आसपास के इलाकों में पाई जाती है ये। जमुनापुरी में आपको बता चुका हूँ, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। लोही, ये देखिए लोही भी बकरी की नस्ल है और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का यह मतलब है गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जो राठी क्षेत्र कहलाता है उसमें पाई जाती है। देखिए, ये मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध। अब आप इसे मांस के लिए प्रसिद्ध कैसे याद रखोगे? देखिए, जिसका मांस कैसा हो, लो भर का हो, उसे लोग खाने के लिए ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो लोही, लोहो भर का मांस हो जिसका, तो मांस के लिए प्रसिद्ध है लोही। बीकानेरी, बीकानेरी देखिए बकरी की नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। देखिए, अगर बकरियों की नस्ल की बात करें तो लोही समझ चुके हैं अपन, बारबरी, जखराना या अलवरी, शेखावाटी, परबतसरी, जमुनापरी, ये अपन समझ चुके हैं। एक दो नस्ल और हैं, वो और याद कर लीजिए आप, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी देखिए ऊंट उसकी, सॉरी भेड़ की भी नस्ल है, भेड़ और बकरी दोनों की है मारवाड़ी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भेड़ में भी आता है मारवाड़ी और बकरी में भी मारवाड़ी।
देखिए, जो मारवाड़ी भेड़ बकरियों का झुंड लेके आते हैं, रेवड़ लेके आते हैं, उसमें भेड़ भी होती हैं और बकरियां भी होती हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एक सिरोही और याद रखना है आपको, सिरोही किसकी नस्ल है? बकरी की। ये संपूर्ण आपको बकरियों की जितनी नस्ल है राजस्थान में, वो संपूर्ण आपको यहाँ बता दी गई है। और बकरियों से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो और चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, अभी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में किस गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है? वरुण गांव, सिरोही गांव, नाचना गांव, सुहालक गांव। देखिए, वरुण गांव जो नागौर में पड़ता है, इसकी बकरियां बहुत देश भर में प्रसिद्ध हैं और ये महंगी भी बहुत होती हैं। तो वरुण गांव नागौर, और सुहालक गांव आपके याद होगा, सुहालक प्रदेश नागौर, ये नागौरी गाय या बैल, नागौरी गाय या बैल का उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान सुहालक प्रदेश नागौर। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण जिसे भेड़ बकरी को पिलाने से उनके दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है, उस मिश्रण का आपको नाम बताना है जो किसने विकसित किया है? काजरी के वैज्ञानिकों ने। काजरी के वैज्ञानिकों ने शेखावटी बकरी को विकसित किया है और एक मिश्रण बनाया है जिसे अगर भेड़ और बकरी को पिलाया जाए तो उनके दूध में बहुत वृद्धि होगी। आइबोमिक्स, वृहद चारा, सुपर डोज, तर दिया, इसका नाम है आइबोमिक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती आई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था। गाय और भैंस के लिए, वैवाहिक रसम के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरणों के लिए। देखिए, बाखड़ी शब्द गांव में कहा जाता है कि जब कोई गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है या दूध बहुत कम देती है, जब दूध बहुत कम देती है या दूध देना बिल्कुल एक तरह से बंद ही कर देती है, तो उसके लिए बाखड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा गाय और भैंस के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हमने बकरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन पर विस्तार से चर्चा कर लिए। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इस क्लास को शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, जोश बढ़े और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद।